हेलो बच्चों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल ओम लर्निंग क्लास में। तो आज की वीडियो का हमारा टॉपिक है प्राप्ति भुगतान खाता, जिसमें कि हम लोग समझेंगे प्राप्ति भुगतान खाता कहते किसे हैं, इसकी विशेषताएं एवं सीमाएं क्या क्या हैं, प्राप्ति भुगतान खाता तथा रोकड़ बही में अंतर क्या क्या होता है तथा इसके फॉर्मेट को समझते हुए हम लोग एक न्यूमेरिकल को भी सॉल्व करेंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग समझते हैं कि प्राप्ति एवं भुगतान खाता क्या है। किसी तो देखिए, प्राप्ति एवं भुगतान खाता एक वास्तविक खाता यानी कि रियल अकाउंट है, जिसे रोकड़ बही के सारांश के रूप में तैयार किया जाता है। इसे वित्तीय वर्ष के अंत में या एक निश्चित अवधि के बाद वर्गीकृत मदों के आधार पर तैयार किया जाता है। इस खाते को बनाते समय सबसे पहले इसके डेबिट पक्ष में प्रारंभिक रोकड़ या बैंक शेष यानी कि बैलेंस BD को दिखाया जाता है। उसके बाद वर्ष के दौरान प्राप्त सभी प्राप्तियों, चाहे वो आयगत हो या फिर पूंजीगत हो, को दिखाया जाता है। इसके बाद क्रेडिट पक्ष में वर्ष भर के सभी भुगतानों, चाहे वो आयगत भुगतान हो या पूंजीगत भुगतान हो, उन्हें दिखाकर अंत में अंतिम रोकड़ या बैंक शेष का पता लगाया जाता है। ये सभी प्राप्तियां या भुगतान चालू वर्ष, गत वर्ष या आगामी वर्ष से संबंधित हो सकते हैं। इस खाते को आगम शोधन खाते के नाम से भी जाना जाता है। तो देखिए, इसको हम लोग समझ लेते हैं। सबसे पहले कि यह एक वास्तविक खाता है। वास्तविक खाते का मतलब क्या हुआ? देखिए, जो हमारा वास्तविक खाता होता है उसमें हम लोग संपत्ति से संबंधित चीज़ों को लिखते हैं। संपत्ति आती है तो उसका हम लोग लेखा करते हैं और संपत्ति अपने व्यापार से बाहर जाती है तो उसका लेखा करते हैं। तो वास्तविक खाता है क्योंकि इसमें हम लोग रोकड़ से संबंधित जितनी भी मदें, यानी कि जब रोकड़ हमारे व्यापार में आता है किसी भी रूप में या फिर रोकड़ किसी भी भुगतान के रूप में व्यापार से बाहर जाता है, संस्था से बाहर जाता है, तो उसको हम लोग यहाँ पर नोट डाउन करते हैं। तो रोकड़ हमारी संपत्ति है और संपत्ति से संबंधित लेखा हम लोग वास्तविक खाते के अंतर्गत करते हैं, इसलिए प्राप्ति एवं भुगतान खाते को वास्तविक खाता माना जाता है। और ये रोकड़ बही के सारांश के रूप में तैयार किया जाता है क्योंकि इसका जो आधार होता है वो रोकड़ बही होती है। जो रोकड़ बही होती है उसके आधार पर, उसमें जितनी मदें हैं उनको, हर एक मद को वर्गीकृत कर उसके आधार पे हम लोग क्या करते हैं, प्राप्ति एवं भुगतान खाते को बनाते हैं। इस खाते को जब हम लोग बनाते हैं तो सबसे पहले इसमें दो कॉलम होते हैं, एक डेबिट और एक क्रेडिट का, जिसमें कि डेबिट साइड में सबसे पहले हम लोग बैलेंस BD यानी कि जो हमारे पास पहले से पैसा है, रोकड़ या बैंक का बैलेंस है, उसे दिखाते हैं। और उसके बाद डेबिट साइड में ही जितनी भी हमें प्राप्तियाँ हुई हैं, चाहे वो आयगत प्राप्ति है चाहे वो पूंजीगत प्राप्ति, उसे दिखाते हैं। आयगत या पूंजीगत का मतलब क्या हुआ? आयगत प्राप्ति वो जो कि रिवेन्यू नेचर की होती है, यानी कि एक वर्ष में बार बार या फिर हर वर्ष होती है। और पूंजीगत प्राप्ति क्या होती है? जो कि एक बार होती है और लंबे टाइम तक उसका बेनिफिट हमें मिलता है। तो ये हो गई आयगत और पूंजीगत। तो इन दोनों ही प्राप्तियों को डेबिट साइड में दिखाया जाता है। इसके बाद क्या करते हैं, क्रेडिट पक्ष में जितनी भी हमारी भुगतान है, चाहे वो आयगत भुगतान हो चाहे वो पूंजीगत भुगतान हो, उन दोनों को ही हम लोग दिखाते हैं। और लास्ट में जो बैंक या रोकड़ शेष जो है वो हम लोग निकालते हैं। तो फिर उसके बाद और जो भी भुगतान होते हैं या फिर जो भी प्राप्तियाँ होती हैं, वो जो होती हैं, चाहे वो हमें पिछले वर्ष का पैसा मिला हो या इस साल का पैसा मिला हो या फिर आने वाले वर्ष का पैसा मिला हो, या फिर भुगतान जब हम लोग कर रहे हैं तो पिछले वर्ष से संबंधित अगर हमने कोई भुगतान किया या फिर इस वर्ष से संबंधित कोई भुगतान किया या फिर फ्यूचर से संबंधित कोई भुगतान किया, वो किसी भी वर्ष का भुगतान या फिर प्राप्ति हो, सिर्फ और सिर्फ हमें मतलब है कि हमें पैसा मिला है या फिर पैसा हमारे व्यापार से बाहर गया है, हमें उसे प्राप्ति एवं भुगतान खाते के अंतर्गत दिखाना है। ठीक है, तो ये था इसका कॉन्सेप्ट पूरा। इस कॉन्सेप्ट को अच्छे समझने के लिए हम लोग को इसका न्यूमेरिकल भी सॉल्व करना होगा, तो वो अभी हम लोग आगे वीडियो में समझेंगे। तब तक के लिए अभी ये इसका अर्थ है, आइए देख लेते हैं कि इस खाते की विशेषताएं क्या क्या हैं। तो सबसे पहली विशेषता है कि यह एक वास्तविक खाता है, अतः इसे वास्तविक खाते के नियम यानी कि डेबिट व्हाट कम्स इन क्रेडिट व्हाट गोज आउट के आधार पर तैयार किया जाता है। ठीक है, ये चीज़ हम आपको पहले ही समझा चुके हैं। दूसरा है कि यह रोकड़ बही का सारांश है, अतः इसका निर्माण जो है वो रोकड़ बही की सहायता से किया जाता है। फिर है, इस खाते का जो प्रारंभ है वो वर्तमान वर्ष के प्रारंभिक शेष और इस खाते का अंत जो है वो अंतिम शेष से होता है। इस खाते में सभी प्रकार की प्राप्तियों एवं भुगतान यानी कि आयगत और पूंजीगत दोनों ही प्रकार की प्राप्ति और भुगतान को दिखाया जाता है। फिर है कि इस खाते में सभी वर्षों यानी कि चालू वर्ष, गत वर्ष और आगामी वर्ष से संबंधित मदों को दिखाया जाता है। ठीक है, फिर इस खाते में केवल नकदी लेन देनों को ही दिखाया जाता है, समायोजन संबंधी किसी भी प्रकार का लेखा इसमें नहीं किया जाता है। देखिए, क्योंकि ये रोकड़ बही के आधार पर बनाया जाता है, इसलिए इसमें सिर्फ और सिर्फ नकद लेन देन जो होते हैं संस्था के अंतर्गत उसे ही दिखाया जाता है और इसमें कोई भी प्रकार का समायोजन हम लोग बाद में नहीं कर सकते। उसके बाद है कि इस खाते को दोहरी लेखा प्रणाली के आधार पर नहीं बनाया जाता है, क्योंकि इस खाते में सिर्फ और सिर्फ पैसा आता है उसका लेखा होता है, पैसा बाहर जा रहा है उसका लेखा होता है, उसके अलावा और किसी भी प्रकार का इसमें लेखा नहीं किया जाता है, इसलिए दोहरी लेखा प्रणाली पर आधारित नहीं होता है। लास्ट है कि यह खाता रोकड़ का संक्षिप्त विवरण होने के कारण लेखांकन का अनिवार्य भाग नहीं है, इसे लेखांकन का अनिवार्य भाग हम लोग नहीं मानते, यानी कि इसे बनाना जो है वो कंपलसरी नहीं माना जाता, ये संस्था के रूप और प्रकृति पर निर्भर करता है। ठीक है, तो ये सारी विशेषताएँ थी। देखिए, जो अर्थ हैं और विशेषताएँ हैं ये हमारे एग्जाम में अक्सर पूछे जाते हैं, दो नंबर में, चार नंबर में, या कभी कभी ये जो विशेषता है ये आपके MCQ में भी हेल्प करती है, तो इसे काफ़ी अच्छे से आप समझिएगा और याद रखिएगा। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब है हमारा कि प्राप्ति एवं भुगतान खाते की सीमाएं क्या क्या होती हैं, यानी कि इसका जो एक तरीके से बाउंड्रीज क्या क्या है। तो देखिए, केवल सीमित नकद लेन देन करने वाले और छोटे गैर व्यापारिक संस्थानों द्वारा इसका प्रयोग किया जा सकता है, बड़े आकार वाले गैर व्यापारिक संस्थानों के लिए यह अनुपयुक्त है।
इसका मतलब क्या हुआ कि ऐसे छोटे गैर व्यापारिक संस्थान जो कि बहुत ही सीमित मात्रा में नकद लेन देन करते हैं उनके लिए उपयोगी है, लेकिन ये बड़े पैमाने के गैर व्यापारिक संस्थानों द्वारा मुमकिन नहीं माना जा सकता। फिर है कि यह खाता संस्थान के केवल नकद लेन देन तथा रोकड़ स्थिति को प्रकट करता है, यानी कि नकद लेन देन क्या क्या हुए संस्थान में और रोकड़ की हमारी वर्तमान की स्थिति क्या है ये चीज़ दर्शाता है, जिससे कि व्यापार की सही आर्थिक स्थिति का पता नहीं चल पाता, क्योंकि व्यापार में बहुत सारे लेन देन उधार भी होते हैं, बहुत सारे समायोजन भी हमें दिखाने होते हैं, तो जो क्योंकि वो सारी चीज़ें इसमें नहीं दिखाई जाती इसलिए ये सही आर्थिक स्थिति को नहीं बताता। फिर है कि यह खाता वर्तमान वर्ष के वास्तविक आय व्यय को भी नहीं दिखाता। क्यों नहीं दिखाता? क्योंकि यहाँ पर हम लोग सिर्फ और सिर्फ रोकड़ के लेन देन का लेखा करते हैं, ना कि सभी प्रकार के लेन देनों का, इसलिए वास्तविक आय व्यय हमें पता नहीं चल पाता है। चौथा है, उपार्जन आधार पर न बनाए जाने के कारण इस खाते में किसी भी प्रकार का समायोजन नहीं किया जा सकता है। यह खाता वर्तमान वर्ष के शुद्ध लाभ हानि को भी नहीं प्रकट करता। और लास्ट है, केवल इस खाते के आधार पर आर्थिक चिट्ठा नहीं बनाया जा सकता है। तो ये हैं कुछ सीमाएं जो कि हमारे प्राप्ति भुगतान खाते के अंतर्गत आती हैं। अब आइए हम लोग देख लेते हैं प्राप्ति भुगतान खाता और रोकड़ बही में अंतर। बच्चों, ये जो टॉपिक है हमारे कि हमारे चार नंबर के क्वेश्चन में अक्सर पूछा जाता है, तो आप लोग इसे ध्यान से समझिएगा। अगर आप इसे समझ लेंगे तो आपको याद करने की कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो सबसे पहला अंतर जो है वो है आधार। तो प्राप्ति भुगतान खाता जो है वो रोकड़ बही के आधार पर बनाया जाता है, ठीक है, जबकि रोकड़ बही का आधार जो होता है वो संस्थान में होने वाले जो भी नकदी लेन देन होते हैं वो होते हैं, यानी कि जो नकद लेन देन हो रहे हैं उनसे डायरेक्टली हम लोग रोकड़ बही बनाते हैं और रोकड़ बही से हम लोग प्राप्ति भुगतान खाता बनाते हैं, ठीक है। संस्थानों की बात करें तो प्राप्ति भुगतान खाता गैर व्यापारिक संस्थान यूज़ करते हैं, जबकि रोकड़ बही को व्यापारिक तथा गैर व्यापारिक दोनों ही प्रकार के संस्थान प्रयोग कर सकते हैं। बनाने के समय की बात करें तो प्राप्ति भुगतान खाता जो है वो एक निश्चित अवधि के बाद या फिर वर्ष के अंत में बनाया जाता है, जबकि रोकड़ बही जो है उसमें प्रतिदिन लेखे किए जाते हैं, यानी कि जैसे जैसे हमारे लेन देन होते जाते हैं वैसे वैसे हम लोग इसमें लेखे करते रहते हैं। इसके बाद है लेखे। प्राप्ति भुगतान खाते में जो लेखे होते हैं वो तिथिवार नहीं होते, यानी कि डेट के हिसाब से नहीं होते हैं, जबकि रोकड़ बही में लेखे जो होते हैं वो तिथिवार होते हैं, यानी कि डेट बाई डेट होते हैं। विवरण, यह संस्थान के नकदी लेन देनों का वार्षिक विवरण है, यानी कि प्राप्ति भुगतान खाता जो है एक ये वार्षिक विवरण है, जबकि रोकड़ बही जो है ये विवरण न होकर के मुख्य पुस्तक मानी जाती है। प्रणाली की बात करें तो जो प्राप्ति भुगतान खाता है इसका निर्माण दोहरी लेखा प्रणाली के आधार पर नहीं होता है, जबकि रोकड़ बही का निर्माण दोहरी लेखा प्रणाली के आधार पर होता है। लास्ट है लेखांकन का भाग। तो जो प्राप्ति भुगतान खाता है ये लेखांकन का अनिवार्य भाग नहीं है, जबकि रोकड़ बही हमारे लेखांकन का एक बहुत ही महत्वपूर्ण हिस्सा माना जाता है। तो ये कुछ हमारे अंतर थे प्राप्ति भुगतान खाता और रोकड़ बही के बीच। आई होप कि आप लोगों को ये सारे कॉन्सेप्ट काफी अच्छे से समझ में आए होंगे। अब क्योंकि हमें एग्जाम में न्यूमेरिकल्स भी सॉल्व करने होते हैं, तो प्राप्ति भुगतान खाता हम लोग कैसे बनाएंगे ये समझने के लिए सबसे पहले हम इसका फॉर्मेट समझना पड़ेगा। तो आइए देखते हैं कि इसे हम लोग कैसे बनाते हैं। तो जब हम लोग सबसे पहले प्राप्ति भुगतान खाता बनाते हैं तो इसके फॉर्मेट में हम लोग सबसे पहले लिखते हैं रिसीप्ट एंड पेमेंट अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड। जो भी ईयर के लिए हम लोग बना रहे हैं वो यहाँ पर मेंशन करते हैं। ये हो गया फॉर्मेट, जिसमें एक साइड डेबिट साइड है जो कि रिसीप्ट का साइड है और दूसरा है पेमेंट का जो कि क्रेडिट साइड है, ठीक है। रिसिप्ट साइड में हम आपको सब अर्थ में ही समझा चुके हैं कि डेबिट साइड में सबसे पहले हम लोग ने जो कैश है या फिर बैंक में जो शेष है उसका बैलेंस लिखते हैं, यानी कि प्रारंभिक रोकड़ या बैंक शेष को लिखते हैं। तो टू बैलेंस पीडी करेंगे, अगर हमारे क्वेश्चन में कैश इन बैंक दिया तो कैश इन बैंक या फिर कैश इन हैंड दिया है तो उसे हम लोग यहाँ पर मेंशन करेंगे। उसके बाद सारी प्राप्तियाँ, जैसे कि यहाँ पे हमने लिखा अलग से समझाने के लिए टू ऑल रिसिप्ट, ठीक है, चाहे वो रिवेन्यू हो चाहे वो कैपिटल हो, यानी कि जो भी जिस भी प्रकार की हमें प्राप्ति हुई है, चाहे वो आयगत प्राप्ति हो चाहे वो पूंजीगत प्राप्ति हो, उन सभी को हम लोग यहाँ पर लिखेंगे। आपको इन सभी चीज़ों को याद करने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। आपको क्वेश्चन लगाते टाइम सिर्फ और सिर्फ ये देखना है कि अगर आपके संस्था में पैसा आया है तो आप उसको डेबिट साइड में दिखाएंगे, वो पैसा किस नेचर का है, आयगत नेचर का है या फिर पूंजीगत नेचर का है, उससे आपको समझने की या जानने की कोई भी जरूरत नहीं है। आपको सिर्फ और सिर्फ इससे मतलब होना चाहिए कि आपकी संस्था में पैसा आया है तो आप डेबिट साइड में दिखाएंगे, ठीक है। तो सिंपल सा हमें क्या करना है, सबसे पहले हमें प्रारंभिक रोकड़ या बैंक शेष दिखाएंगे टू बैलेंस बीडी करके, उसके बाद जितनी भी हमें प्राप्तियां हुई हैं उन प्राप्तियों को हम लोग उनके नाम के हिसाब से मेंशन कर देंगे। आपको इसे याद करने की जरूरत नहीं, ये सिर्फ और सिर्फ हमने ऐसे ही लिखा हुआ है कि आपको एक अंदाजा मिले कि कौन कौन सी प्राप्तियां लगभग होती हैं, ठीक। तो ये करने के बाद हम लोग क्या करेंगे, क्रेडिट साइड में जाएंगे। क्रेडिट साइड में क्या करेंगे, अगर बाई चांस हमारे जो क्वेश्चन दिया है उसमें जो नकद शेष है प्रारंभिक रोकड़ या बैंक शेष जो है वो अगर क्रेडिट में दिया, यानी कि बैंक ओवरड्राफ्ट वाला सिस्टम दिया, तो हम लोग क्रेडिट में बैलेंस दिखाएंगे और अगर नहीं तो सिंपली हम लोग डेबिट में दिखाते, ठीक है। ये हमारे क्वेश्चन पर डिपेंड करेगा, ठीक है। तो अगर क्रेडिट शेष दिया है नकद और बैंक का तो उसे हम लोग यहाँ पर दिखाएंगे क्रेडिट साइड में। उसके बाद क्या करेंगे, फिर जितने भी ऑल पेमेंट्स हैं चाहे वो आयगत हो या फिर पूंजीगत, उन सभी पेमेंट्स को हम लोग यहाँ पर एक लाइन से दिखा देंगे, ठीक है। हमें बस इतना मतलब होना चाहिए कि किस रूप में हमारे संस्था से पैसा बाहर गया है, हमें उस रूप का लेखा यहाँ पे करना है। उसके अलावा हमें कोई मतलब नहीं कि वो रिवेन्यू नेचर का है या फिर कैपिटल नेचर का। जैसे फॉर एग्जाम्पल में आप देख सकते हैं यहाँ पर सैलरी एंड वेजेस वगैरह वगैरह, यहाँ पर बहुत सारे आपके एग्जाम्पल्स हैं, ठीक है। तो आपको प्राप्ति भुगतान खाता बनाते टाइम क्या ध्यान रखना है, सिर्फ और सिर्फ इतना कि डेबिट साइड में हमें पैसा जितना भी मिला है उसे हमें दिखाना है और क्रेडिट साइड में जितना भी हमारा पैसा बाहर गया है उसे दिखाना है। और लास्ट में हमें क्या करना है, दोनों साइड का बैलेंस जो है, दोनों साइड का अमाउंट जोड़ने के बाद जो भी बैलेंस आएगा, अगर जो डेबिट बैलेंस आ रहा है तो आप इस साइड दिखाएंगे, अगर क्रेडिट बैलेंस आ रहा है तो आप इस साइड दिखाएंगे। बस इतना ही हमें इसमें करना है। अब इसको बहुत अच्छे से समझने के लिए हम लोग आइए एक न्यूमेरिकल को सॉल्व कर लेते हैं।
जैसे कि क्वेश्चन हमारा दिया है कि निम्नलिखित सूचनाओं से प्राप्ति भुगतान खाता हमें बनाना है, तो देखिए हम लोग ये एक के बाद एक देखते चलेंगे क्या क्या हमें जो है इन्फॉर्मेशन दी हुई है, और यहीं पे हम लोग साथ में छाटते चलेंगे कि हमें कौन सी मद को किस साइड में दिखाना है और दिखाना भी है या नहीं दिखाना। तो सबसे पहले नकद शेष दिया है 4,390, तो जो प्रारंभिक शेष होता है वो मेनली किस साइड जाता है, डेबिट साइड में, ठीक है, तो हम लोग इसको डेबिट साइड में दिखा देंगे। उसके बाद चंदा पाया, चंदा पाया है पिछले वर्ष का, चालू वर्ष का और आगामी वर्ष का। हम आपको पहले ही समझा चुके हैं कोई भी चीज़ अगर हमें मिल रही है तो वो किस साइड जाएगी, प्राप्ति भुगतान खाते की डेबिट साइड में जाएगी, और वो चाहे किसी भी वर्ष की हो वो सब का सब हमें क्या करना है, डेबिट साइड में दिखाना। फिर है दान पाया, तो इसे भी हम लोग डेबिट साइड में दिखाएंगे। प्रवेश शुल्क, देखिए जो संस्था होती है उसमें जब भी कोई व्यक्ति जुड़ता है तो वो पहले अपना प्रवेश शुल्क देता है, ठीक है, तो उसके लिए इसका मतलब यहाँ पे हुआ कि प्रवेश शुल्क मिला है, ठीक है, तो मिला है तो डेबिट साइड में चला जाएगा। फिर किराया मिला है तो ये भी डेबिट साइड में जाएगा। विद्युत प्रभार, विद्युत प्रभार का मतलब क्या हो गया, इलेक्ट्रिसिटी बिल, और वो बिल तो हम लोग को पेमेंट करना होता है, तो पेमेंट सारे कहाँ जाते हैं, क्रेडिट साइड में जाएंगे। फिर है मजदूरी, मजदूरी दी गई है तो ये भी क्रेडिट में जाएगा। ब्याज हमें मिला है यानी कि पैसा मिला है तो डेबिट साइड में जाएगा। बीमा प्रीमियम, इंश्योरेंस प्रीमियम भरा जाता है यानी कि उसको पेमेंट किया जाता है तो ये कहाँ जाएगा, क्रेडिट साइड में आपके जाएगा। छपाई और लेखन सामग्री यानी कि प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी का भी पैसा हम लोग क्या करेंगे, पेमेंट करते हैं तो ये भी हमारा क्रेडिट साइड में जाएगा। विविध व्यय यानी कि बहुत से तरीके के एक्सपेंसेस को जोड़ के यहाँ पे 900 पूरा एक्सपेंस हुआ है तो इसे भी हम लोग क्रेडिट में दिखाएंगे। वेतन भी हमने दिया होगा तो इसे क्रेडिट में दिखाया जाएगा। सचिव को मानदेय, सचिव को मानदेय का मतलब होता है कि किसी को सम्मान देना सम्मान के रूप में, यानी कि सचिव यानी कि सेक्रेटरी को सम्मान दिया गया कितने रुपए का, 7,500 रुपए का, तो इसे भी हम लोग क्रेडिट में दिखाएंगे। क्लब के भवन का किराया, यहाँ पे लिखा है उपार्जित, आप ये ध्यान रखिएगा कोई भी उपार्जित या अदत्त व्यय जो भी होते हैं ये सारी चीज़ें समायोजन से संबंधित होती हैं, और समायोजन जो होता है वो हम लोग प्राप्ति भुगतान खाते में नहीं दिखाते, तो इसलिए ये जो उपार्जित दिया हुआ है इसे हम लोग प्राप्ति भुगतान खाते में नहीं दिखाएंगे। और लास्ट है छपाई और लेखन सामग्री जो कि अदत्त व्यय यानी कि अभी हमें इसका पेमेंट करना है तो ये भी हमारा समायोजन संबंधित हो गया तो इसे भी हम लोग नहीं दिखाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पर जितनी मदें थी इन सभी में हमें पैसा मिला है या फिर पैसा हमारा बाहर गया है तो उन सभी को हमने नोट डाउन कर लिया, बट इन दोनों चीज़ों में हमें यहाँ पर ये उपार्जित है यानी कि हमने कमा लिया है लेकिन अभी हमें पैसा रियल रूप में मिला नहीं है, तो जब रियल में हमें नहीं मिला है तो इसे हम नहीं दिखाएंगे। और ये अदत्त है यानी कि अभी हमने पेमेंट नहीं किया है, हमें अभी पेमेंट करना है तो जब कर लेंगे पेमेंट तब दिखाएंगे, अभी हम लोग इसे प्राप्ति भुगतान खाते में नहीं दिखाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पर ये सारी चीज़ बस इसे ही हमें क्या करना है, उठा करके सीधे इसके फॉर्मेट में लगा देना है। तो आइए देख लेते हैं, तो देखिए रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट हो गया, फॉर द ईयर एंडेड हम लोग कर देंगे। रिसिप्ट साइड पे सबसे पहले नकद शेष 2 बैलेंस बीडी 4,390 रुपये दिखाएंगे। फिर चंदा पाया है तो 2 सब्सक्रिप्शन रिसीव हुआ है हमें कितने का, तो पिछले वर्ष का 600, चालू वर्ष का 33,000 और आगामी वर्ष का 4,000, तो टोटल हमें चंदा कितना मिला, 37,600 हम लोग पूरा दिखा देंगे। उसके बाद दान पाया तो डोनेशन रिसीव्ड, फिर प्रवेश शुल्क मिला तो 4,300 वो दिखा देंगे, किराया मिला उसे दिखा देंगे, ठीक है इतना। अब उसके बाद यहाँ पर दिया है विद्युत प्रभार जो कि हमें क्रेडिट में दिखाना है, तो यहाँ पर हो जाएगा बाई इलेक्ट्रिसिटी बिल 3,440। फिर मजदूरी दिया तो बाई वेजेस। फिर ब्याज हमें मिला है तो यहाँ पर 2 इंटरेस्ट रिसीव हो जाएगा, ब्याज जितना मिला है डेबिट साइड में, क्रेडिट साइड में फिर से इंश्योरेंस प्रीमियम दिखाएंगे। उसके बाद छपाई और लेखन सामग्री तो बाई प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी, विविध व्यय बाई सन्डरी एक्सपेंसेस, वेतन तो बाई सैलरी इतना दिखाएंगे, सचिव को मान दे तो बाई हॉनरेरियम टू सेक्रेटरी 7,500 रुपये ये दिखा देंगे, और इन दोनों को दिखाना नहीं है तो बस इतना हमें दिखा करके दोनों साइड का हम लोग टोटल करेंगे। इस साइड का अमाउंट आया हमारा 62,490 जो कि इस साइड से ज़्यादा है तो माइनस करेंगे, बैलेंस जो आएगा वो आएगा 33,490 का, तो ये 33,490 रुपये हमारा बाई बैलेंस सीडी हो गया यानी कि अंतिम रोकड़ शेष हो गया। देखिए कितना आसान था ये मतलब हमारा रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट बनाना, आई होप कि आप लोग को इससे बहुत ज़्यादा हेल्प इस वीडियो से। तो अगर आपको वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग देखेंगे कि इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट कैसे बनाते हैं, तो मिलते हैं वहाँ पर।